दोस्तों वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिफ्ट रिसीव करके आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, इनकम टैक्स के रूल गिफ्ट्स पे कैसे एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल है, चाहे आपको गिफ्ट मिले दिवाली पे, चाहे आपको घर गिफ्ट में मिले, चाहे आपको कैश गिफ्ट में मिले, चाहे आपकी शादी में गिफ्ट में मिले, सारे गिफ्ट के टैक्सेशन प्रोविजन आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है, हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारे वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल है। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हम गिफ्ट के केस में बात करते हैं कैश गिफ्ट। दोस्तों अगर आपको कैश गिफ्ट रिसीव होता है पूरे साल के अंदर, जितना भी कैश आपको रिसीव हुआ है एज ए गिफ्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि इसके बदले में आपने कोई भी जो है कैश कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया, कोई भी कैश रिटर्न में नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा सम अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा का पूरा सम आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि 50,000 से ज्यादा होने पे सम जो 50,000 से ज्यादा अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को कैश गिफ्ट मिलता है 60,000 रुपए का, तो यहाँ पे मिस्टर ए के हाथ में पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल होगा, ना कि जो एक्स्ट्रा 10,000 है। यहाँ पे ये क्लैरिटी लाना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ गिफ्ट, कौन कौन से गिफ्ट आपको कैश गिफ्ट मिल सकते हैं। जैसे आपको दिवाली पे गिफ्ट मिलता है 50,000 रुपए से ज्यादा तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद बर्थडे पे कोई गिफ्ट मिलता है या एनी कोई फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल पे आपको गिफ्ट मिलता है कैश गिफ्ट, तो पूरे साल का देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो 24-25 के अंदर आपको पूरे साल के अंदर गिफ्ट मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए से ज्यादा, तो उस केस के अंदर आपको पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मिस्टर बी को या मिस्टर ए को यहाँ पे गिफ्ट मिला है 20,000 रुपए और मिस्टर जे से गिफ्ट मिला है 40,000 रुपए का, तो यहाँ पे टोटल जो गिफ्ट अमाउंट है वो मेरी 60,000 हो गई है। चाहे दो अलग अलग पर्सन से भी मिला हो लेकिन वो पूरा का पूरा अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा, पूरा का पूरा अमाउंट जो है 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका लिमिट क्रॉस हो गई है 50,000 की, तो ये टैक्सेबल होगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम हम देखते हैं, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ सम। मिस्टर ए को गिफ्ट मिला 20,000 और अगर मान लीजिए मिस्टर जे को अलग अलग गिफ्ट मिला है तो दोनों ही हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 50,000 से कम है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर ए को गिफ्ट मिला है 20,000 का प्लस मिस्टर जे से गिफ्ट मिला है यहाँ पे 40,000 का, तो पूरा अमाउंट आपका 50,000 की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो आपका हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैश की, हमने बात कर ली मूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों ये तो हमने बात की कैश गिफ्ट की, अब हम बात करते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है गिफ्ट के अंदर तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर्टी मिली है आपको लैंड एंड बिल्डिंग विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि उसके बदले में आपने एक रुपया भी यहाँ पे नहीं पे किया है, तो उस केस के अंदर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो आपकी पूरी की पूरी अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगी इस केस के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने कंसिडरेशन पे किया है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को एक प्रॉपर्टी मिली है, उसकी वैल्यू जो है मैं मानती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 35 लाख की है, और उसके बदले में मिस्टर ए ने जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए पे किया है, तो उस केस के अंदर जो 34 लाख है वो आपका मिस्टर ए के हाथों में पूरा का पूरा अमाउंट
टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसमें से जो एक्सीड करती है कंसिडरेशन 50,000 रुपए से अगर ज्यादा है डिफरेंस, तो वो पूरा का पूरा उस पर्सन के हाथों में टैक्सेबल हो जाता है। तो यही ये सेक्शन बोलता है कि एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे हमने और भी एग्जाम्पल लिए है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 लाख की, कंसिडरेशन है 75,000 का, तो टैक्सेबल अमाउंट जो रहेगी वो 1,25,000 रहेगी, क्योंकि अगर मैं 2 लाख में से 75,000 को लेस करती हूं तो डिफरेंस आता है 1,25,000, जो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी जो है टैक्सेबल रहेगी। अब वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लूं कि कंसिडरेशन अगर आपको मिलता है 1,60,000 का, तो दोस्तों इस केस के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है 40,000 का, और 40,000 का डिफरेंस जो है 50,000 रुपए से कम है, तो उस केस के अंदर आपका टैक्सेबल गिफ्ट जो है वो आपका निल रहेगा, कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब दोस्तों हमने कैश की बात कर ली, उसके बाद हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है इन प्रॉपर्टी के अलावा, यानी कि अगर आपको ज्वेलरी मिल रही है, शेयर मिल रहा है, या भी कोई भी ड्राइंग मिल रही है, कोई भी जो प्रेशियस आइटम मिल रही है, स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, आर्ट ऑफ वर्क मिल रहा है, तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो आपकी विदाउट कंसिडरेशन तो सेम देखा जाएगा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। दोस्तों फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपको गिफ्ट के अंदर 1 किलो सोना मिल रहा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है आज के दिन में अगर मैं देखूं तो 75,00,000 रुपए है, तो 75,00,000 रुपए आपका जो गोल्ड की वैल्यू है तो वो आपका पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू उस सच प्रॉपर्टी की है, कोई भी ज्वेलरी मिल रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेम ही केस कि अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरेशन के मिल रही है, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया कि आपको 75,000 का सोना मिल रहा है, तो 75,00,000 में से अगर आप 74,50,000 तक पे कर देते हैं और सिर्फ 50,000 का अमाउंट आपका रहता है, तो उस केस के अंदर आपका पूरा का पूरा जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 75,00,000 में से आप सिर्फ और सिर्फ 10,00,000 देते हैं, 1,00,000 देते हैं, तो उस केस के अंदर आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस कंसिडरेशन, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, वो पूरा का पूरा आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने बात की सारे के सारे टैक्सेबिलिटी गिफ्ट की, तो दोस्तों अब आप हमसे पूछेंगे कि मैम जब गिफ्ट ही टैक्सेबल है तो आपने हमें क्यों बोला कि गिफ्ट से आप टैक्स बचा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा गिफ्ट आपको अगर रिसीव होता है तो वो आपका टैक्सेबल। गिफ्ट रिसीव होता है अपने रिलेटिव से, अब रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, एंड में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव से मिलता है तो वो आपका गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, कोई भी तरह का टैक्स नहीं होता है। अब दोस्तों बात आती है शादी, शादी के दिन अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो कितनी भी वैल्यू का मिले। उसके बाद दोस्तों बात आती है अगर आपको विल के द्वारा इनहेरिटेंस के द्वारा गिफ्ट मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको डेथ और डोनर के केस में आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद अगर आपको लोकल अथॉरिटी से, तो यहाँ पे सेक्शन 1020 क्लॉज के अंदर मेंशन है, उससे गिफ्ट मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई भी ट्रस्ट जो यहाँ पे रेफर्ड है सेक्शन 10 क्लॉज 23C, तो वो आपके गिफ्ट के अंदर गिफ्ट इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA और 12AB, तो उससे भी आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको गिफ्ट मिलता है जो ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है, कैपिटल गेन जिसपे अराइज नहीं होता है, क्लॉज 7CB, 6D और 6CD, तो दोस्तों सेक्शन 47 को हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन मिल पाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि गिफ्ट जो है वो आपको रिलेटिव कौन से, तो यहाँ पे इंडिविजुअल अगर है और इंडिविजुअल के केस में अगर इंडिविजुअल के स्पाउस है
चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनसे गिफ्ट मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस। उसके बाद दोस्तों आता है कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, आइदर पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स और पेरेंट इन लॉ भी यहाँ पे कवर्ड है और उनके ब्रदर और सिस्टर भी यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद दोस्तों कोई भी लीनियन डिसेंडेंट और लीनियन एंसेडेंट वो भी यहाँ पे कवर्ड है इंडिविजुअल के, और यहाँ पे उसके भी लीनियन डिसेंडेंट और एसेंडेंट यहाँ पे कवर्ड है। और उसके बाद अगर आपका स्पाउस जो यहाँ पे पर्सन जो मेंशन है यहाँ पे बी टू एफ में, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं एच यू एफ के केस में, तो अगर एच यू एफ से गिफ्ट मिलता है उसके किसी मेंबर को तो वो भी आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। तो दोस्तों रिलेटिव की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है कमेंट रहता है, वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने शेयर करना ना भूले अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से जाके टेक साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक साथी शॉर्ट्स पे हम इनकम टैक्स से जुड़े सारे अपडेट्स डालते हैं, इनकम टैक्स क्लासेस, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अब आपको टेक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टेक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टेक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टेक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।